नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है, दिसंबर के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, कंपटीशन के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि। हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। दिसंबर के महीने में चार ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन। ये चार ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और गुरुदेव 31 दिसंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट देने का काम करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य जो है भाग्य भाव को छोड़कर, वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे। 28 दिसंबर को मंगल जो है अपने घर को छोड़कर, वृश्चिक राशि को छोड़कर गुरु के घर में धनु राशि में गोचर करेंगे। और 28 दिसंबर को बुध जो है वक्री हो जाएंगे और ये वक्री हो जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे 28 तारीख को दशम भाव को छोड़ करके नवम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 25 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र जो है अष्टम भाव को छोड़कर, तुला राशि को छोड़कर भाग्य भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और 31 दिसंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे गुरुदेव, तो आपके लिए सबसे अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। अब इन ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है और इन ग्रहों का प्रभाव जो है आपके ऊपर कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में, हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। शनि आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, राहु आपकी राशि में गोचर करेंगे मीन राशि में लगन भाव में, और गुरुदेव जो है ये धन भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। राशि के स्वामी गुरुदेव है और गुरु गोचर कर रहे हैं आपके धन भाव में मेष राशि में। गुरु जो है कैरियर के भी मालिक है, लगन के भी मालिक है, तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा और कैरियर में जो है नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। कैरियर के लिए समय बेहतर है, दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है, अच्छी स्थितियां रहेंगी, नौकरी में अच्छा लाभ होगा, व्यापार में भी अच्छा लाभ होगा और जो भी आप काम कर रहे हो कैरियर में वो जो है स्थितियां जो है बहुत ही मजबूत यहाँ पर बन रही है। वही यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाजा से दिसंबर का महीना बढ़िया है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और धन भाव में गुरु का गोचर है तो धन देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ पर गुरु की बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। द्वितीय भाव का गुरु धन कारक है, इस कारण से धन देने का काम करेगा, कुटुंब परिवार को सबको लेकर के चलने का यहाँ पर काम करता है गुरु। और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, नई नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, रोग ऋण शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा है। वही मामा और मौसी के संबंधों के लिए गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण धर्म कर्म में रुचि भी जागृत होगी, समाज सेवा के प्रति आपका जो है योगदान भी रहेगा। इनकी नवम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी, गुरु की नवम दृष्टि कैरियर में पड़ने के कारण कैरियर आपका बढ़िया रहने वाला, कैरियर में जो है कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं बन रही है। और 31 तारीख के बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। धन के मालिक आपके कुंडली में मंगल देव है, 1 नंबर की राशि मेष राशि होती है और मंगल जो है वृश्चिक राशि में अपने ही घर में, वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों ही मंगल की राशि है और मंगल अपने ही घर में विराजमान है, एक अच्छी स्थिति है, ये धन योग यहाँ पर बन रहा है। मंगल भाग्य भाव में भाग में वृद्धि करने का काम करते हैं, अचानक किस्मत को बदलने का काम करते हैं, भाग्य आपका साथ देता है, पिता के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करते हैं और धन की स्थिति को कहीं न कहीं जो है
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। इनकी चौथी दृष्टि आपके घर में पड़े, चौथी दृष्टि इनकी जो है विदेश भाव में पड़ेगी, तो थोड़ा वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है। यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया है। मंगल जो है यहां पर विराजमान होकर के नवम भाव में विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में डालेंगे तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, भाई बहनों का संबंध आपका बढ़िया रहने वाला है। अष्टम दृष्टि इनकी चौथे भाव में पड़ेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, वाहन खरीदने के योग बनेंगे, तो मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। तृतीय भाव के स्वामी शुक्र देव है और शुक्र जो है तीसरे भाव के भी मालिक है, अष्टम भाव के भी मालिक है, और अष्टम भाव में अपने ही घर में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। अच्छी स्थिति है शुक्र की और शुक्र 25 तारीख तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद ये जो है नवम भाव में चले जाएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं आप दिसंबर में कर सकते हैं, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, वही जो है ससुराल पक्ष से संबंध आपके मजबूत रहेंगे और गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र जो है अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं और शुभ होते हैं कहीं न कहीं से धन में वृद्धि करते हैं। चौथे भाव के मालिक है बुध देव और बुध देव सप्तम भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं ये दशम भाव में धनु राशि में, यहां पर गोचर करेंगे 28 तारीख तक। अच्छी स्थिति है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग भी बनाएंगे और व्यापार की स्थिति को बहुत अच्छा बनाने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। कैरियर के भाव में विराजमान है तो कैरियर को अच्छा बनाने का काम करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, तो बुध देव यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे, तो बुध की स्थिति भी दिसंबर के महीने में अच्छी है। वही यदि हम बात करें तो पंचम भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, शिक्षा के लिए समय बढ़िया है, संतान के लिए भी समय बढ़िया है और लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय आपके लिए बढ़िया है। छठे भाव के मालिक है सूर्यदेव और सूर्यदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं 16 दिसंबर तक, उसके बाद दशम भाव में आ जाएंगे, नई नौकरी के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो नई नौकरी के बहुत अच्छे योग है, कहीं ना कहीं जो है नौकरी में प्रोग्रेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी में वृद्धि हो सकती है, व्यापार की स्थिति को भी जो है बढ़ाने का काम जो है सूर्यदेव करेंगे। 16 तारीख के बाद और अच्छी स्थिति बन जाएगी, मजबूत स्थिति बनेगी और लाभ आपको मिलेगा, तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम सूर्यदेव करेंगे। केतु महाराज विराजमान है आपके सप्तम भाव में, विशेष तौर पर केतु सप्तम भाव में ज्यादा दिक्कत परेशानियां पैदा नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको कंप्रोमाइज करके चलना है वैवाहिक जीवन में। शुक्र जो है अष्टम भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग में है तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो सूर्य और मंगल ये आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध देव आपके दशम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, उसके बाद ये 28 तारीख को जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि महाराज आपके एकादश भाव के मालिक है और द्वादश भाव के मालिक है, 10 नंबर 11 नंबर शनि के हैं और शनि अपने घर में विराजमान है, मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, अच्छे परिणाम आपको देने का काम करेंगे। लाभ भाव के मालिक है, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया है, विदेश के अच्छे योग बनेंगे क्योंकि विदेश भाव में ये गोचर कर रहे हैं और फिजूल के खर्चे भी आपके ज्यादातर नहीं होंगे, तो शनि जो है सहायता करने का काम करेंगे। राहु जो है आपकी राशि में विराजमान है, थोड़ा भ्रमित करेंगे, कंफ्यूजन यहाँ पर डालने का काम करते हैं, तो डिसीजन लेने से पहले आपको सोच विचार करके ही डिसीजन लेना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दीबाजी में लिए गए डिसीजन अधिकतर नुकसानदायक होंगे, क्योंकि राहु जो है कई बार जो है भ्रमित कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, इसलिए सोच समझ करके कोई भी डिसीजन आपको लेना है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो दिसंबर का महीना आपके लिए बढ़िया है, ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है और सटीक जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी आप जान सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं
तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।